दोस्तों तो HMD Global ग्लोबल कंपनी जिसको आजकल हम नोकिया ब्रांड नेम के लिए जानते हैं पहला फोन ऑन इंडिया में लॉन्च कर दिया है 2021 का ये है नोकिया 5.4 अभी फोन मेरे पास कल ही आया है तो बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिला है इसकी टेस्टिंग करने का लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफी टाइम से लॉन्च था ये फोन तो ऑलरेडी काफी कुछ चीजें पता है हमें इसके बारे में प्लस मैंने अभी फटाफट यहाँ पे कुछ कुछ चीजें टेस्ट कर ली है तो मैंने सोचा आपके लिए एक फर्स्ट इंप्रेशन फटाफट ले आता हूँ तो देखते हैं क्या मसाला मिल रहा है हमें इस फोन में और थर्टीन का जो प्राइस है उसके हिसाब से अच्छी डील है या नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से तो यहाँ पे मतलब नॉर्मली चीजें आपको मिल रही हैं एक प्लास्टिक कवर आपको मिल रहा है चार्जर है चार्जिंग केबल है यहाँ पे जो बॉक्स में हमें ईयरफोन्स मिल रहे हैं काफी पुराने स्टाइल के हैं और क्वालिटी भी छू के ही पता चल रही है कि बिल्कुल अच्छी नहीं है तो ये है नोकिया फाइव और बाकी सारे नोकिया फोन्स की तरह यहाँ पे भी एक मतलब बड़ा क्लासी सा डिजाइन हमें मिलता है पीछे मतलब सिंपल सा है कुछ फैंसी कलर वगैरह नहीं है लेकिन तब भी देखने में बुरा नहीं लगता है प्लास्टिक बैक है ये ऑब्वियसली बहुत पास से आप देखोगे तो आपको थोड़ी लाइन लाइन वाला पैटर्न दिखेगा एक बस प्रॉब्लम लगी मुझे की ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे दी है नोकिया

सकते हो पर एक चीज मैंने फील करी कि बिल्ड क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं है यहां पे क्योंकि जो पीछे का इसका प्लास्टिक कवर है इसको so, अगर आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो थोड़ा फ्लेक्स हो जाता है ये अंदर को तो वो प्रीमियमनेस वाली फीलिंग यहाँ पे उतनी अच्छे से नहीं आती है अब आगे की तरफ आ जाते हैं तो आपको पंच होल डिस्प्ले वाली स्क्रीन मिलती है नीचे आपको नोकिया ब्रांडिंग मिल जाती है चेन पे और जो स्क्रीन है यहाँ पे सिक्स इंच की एलसीडी डिस्प्ले है सिक्सटी हर्ट रिफ्रेश रेट है और रेजोल्यूशन जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो सेवन है और ये चीज मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसकी एक बड़ी वीकनेस है क्योंकि इस टाइम ये चौदह पंद्रह हजार वाले प्राइस सेगमेंट में सारे फोन हमें फुल एच स्क्रीन देते हैं इनफैक्ट दस के ऊपर वाले भी ज्यादातर फोन फुल एच पे शिफ्ट हो गए हैं ये मुझे पता नहीं कि स्नोकिया ने क्यों किया है वैसे रेजोल्यूशन के अलावा स्क्रीन क्वालिटी यहाँ पे उतनी बुरी नहीं है ब्राइटनेस अच्छी खासी है और कलर भी यहाँ पे आपको अच्छे मिल जाते हैं प्लस यहाँ पे आपको वाइट वाइन एलवन का सपोर्ट मिलता है तो आप एटलीस्ट एच स्ट्रीमिंग कर पाओगे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह से अब यहाँ पे आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है स्पीकर सैंपल एक बार सुन लेते हैं तो स्पीकर परफॉर्मेंस ही मतलब एवरेज है बुरी भी नहीं है अच्छी भी ऐसी कुछ नहीं है उसके अलावा हेडफोन जैक आपको ऑब्वियसली मिल रहा है यहाँ पे तो आप वाइड ईयरफोन्स यूज कर सकते हो डायरेक्टली अब इंटरनल्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे बेस मॉडल में हमें चार जी रैम और सिक्सटी फोर जी स्टोरेज मिलती है ये सिक्सटी फोर जी में से अराउंड फोर्टी एट जी आपकी फ्री है प्रोसेसर हमें यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी टू और डे टू डे टास्क के हिसाब से मतलब ठीक ठाक प्रोसेसर है ये पर वही बात है कि अगर इस प्राइस रेंज में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको स्नैप ड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी हिलियो जी नाइनटी टी जैसे बहुत तगड़े प्रोसेसर मिल जाएंगे गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी जैसे गेम्स में आप थर्टी एफ पी एस तक इस पे खेल सकते हो हाई ग्राफिक्स पे कॉल ऑफ ड्यूटी के मैंने एक दो बैटल रॉयल मैचेस यहाँ पे खेल के देखे और वहां पे मतलब थर्टी एफ पी एस पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मुझे मिल गई ऐसे कुछ बहुत ज्यादा लैग या फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिले नेक्स्ट जाते हैं सॉफ्टवेयर पे तो ये नोकिया फोन की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप मान सकते हो भाई स्टॉक एंड्रॉड यहाँ पे मिलता है एंड्रॉड वन प्रोग्राम का ये पार्ट होते हैं फिर भी एक चीज मुझे अजीब लगी कि यार एंड्रॉड टेन के साथ लॉन्च किया है इस फोन को फेब्रवरी 2021 आ गया है दो तीन महीने में एंड्रॉइड 12 का बीटा स्टार्ट हो जाएगा और अभी कुछ ऐसा प्लान भी नहीं बताया नोकिया ने कि यहाँ पे एंड्रॉइड 11 फटाफट आने वाला हो तो ऑब्वियसली नोकिया का प्रॉमिस है दो साल के एंड्रॉइड अपडेट्स तो एंड्रॉइड 11 एंड्रॉइड ट्वेल्व यहाँ पे दोनों आएंगे पर यार अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब ट्वेल्व बाकी सब फोन पे आ रहा है तब यहाँ पे इलेवन आ रहा है अपडेट्स तो आपने प्रॉमिस कर दिए हैं बट टाइमली अपडेट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है खैर वो चीज देखते हैं यहाँ पे कब तक आएगी अब स्टॉक एंड्रॉड होने के यहाँ पे थोड़े बहुत एडवांटेज आपको मिल जाते हैं कि कोई ब्लोटवेयर नहीं है पहले से कोई थर्ड पार्टी एप्स एड्स वगैरह कुछ नहीं है और मतलब ओवरऑल उतना तो हैवी नहीं फील होगा फोन थोड़े वीक स्पेक्स के बाद भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है डे टू डे में पर काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं स्टॉक एंड्रॉइड के जो आपको इस फोन में मिलेंगे सबसे पहली चीज तो कुछ भी कस्टमाइजेशन आपको ऑप्शन नहीं मिलता है थीम स्टोर वगैरह कुछ आप नहीं कर सकते हो उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे इन नहीं मिलता है आपको अलग से कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा अनलॉकिंग के लिए हमें ये पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो मतलब बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है इसको लग जाता है एक से डेढ़ सेकेंड तो अब देखो मैंने यहाँ पे टच किया और अब ये अनलॉक हुआ टच अनलॉक उसके अलावा फेस अनलॉक भी यूज कर सकते हो बट अभी तो ये भी काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है बट देखते हैं आगे जाके थोड़ा इंप्रूव हो गया नहीं बैटरी पे आ जाते हैं तो यहाँ पे चार हजार एम की बैटरी है तो मतलब सुन के थोड़ी छोटी लग रही होगी बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एच स्क्रीन है और प्रोसेसर भी उतना ज्यादा तगड़ा नहीं है तो एक दिन डेढ़ दिन आपका ये फोन आसानी से चल जाएगा चार्जिंग भी यहाँ पे दस वॉट की है तो इस फोन को आप मान लो तीन घंटा साढ़े घंटा लगेगा फुल चार्ज होने में और अगेन यहाँ पे आई थिंक फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी क्योंकि वो इस प्राइस सेगमेंट में सारे फोन फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं अभी वैसे चौदह पंद्रह के अराउंड के फोन

और यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आपको साउंड रिकॉर्डिंग का भी लग जाएगा किस टाइप से इसके माइक्स परफॉर्म कर रहे हैं नीचे कमेंट करके बताना अगर आप एक फुल कंपैरिजन देखना चाहते हो नोकिया 5.4 के फोर अब एक नया मोड जिसकी नोकिया काफी ज्यादा बात कर रहा है वो है ये सिनेमा मोड जिसमें बेसिकली आप ट्वेंटी वन टू नाइन फॉर्मैट में शूट कर सकते हो वीडियो और वो आपको थोड़े मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके अलावा आपको यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप थोड़ा लुक एंड फील चेंज कर सकते हो अपनी वीडियो का और ये मतलब ठीक है अच्छा फीचर है बट मुझे नहीं पता कितने लोग इसका यूज़ करेंगे ये थे नोकिया 5.4 के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशन अब इसका जो प्राइस है चौदह हजार का मेरे हिसाब से उस प्राइस के हिसाब से यहाँ पे काफी चीजें ऐसी लगती हैं आपको कि थोड़ी पीछे हैं कंपटीशन से जैसे 720p स्क्रीन आपको मिल रही है प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है कोई फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है और कुछ छोटी मोटी चीजें यहाँ से हटा दी है नोकिया ने जैसे आपको मैग्नेटोमीटर नहीं मिलता है जो कंपस होता है बेसिकली मैप्स नेविगेशन में काम आता है उसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है और ये आई थिंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रियल लाइफ में अफेक्ट करेंगी ये चीजें ऑब्वियसली अच्छी चीजें भी हैं इस फोन में यार नोकिया ब्रांड का भरोसा आपको मिल रहा है है डिजाइन अच्छा है दिखने में और मेन कैमरा अच्छा है और स्टॉक एंड्रॉयड आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ये सारी चीजें हैं अच्छी पर ये देखो इस प्राइस सेगमेंट में जो इसका कंपटीशन है इन्फिनिक्स जीरो एट आई मुझे याद आ रहा है पोको एम टू प्रो है मी सेवन है काफी तगड़े तगड़े फोन है सारे खैर अभी बहुत सारी टेस्टिंग करनी बाकी है इसकी पूरे कंपेरिजन कैमरा टेस्ट या फिर बैटरी टेस्ट क्या क्या देखना है आपको नीचे एक बार कमेंट कर दो या फिर मेरे ट्विटर पे आके मुझसे डायरेक्ट बात करो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही आप बताओ आपको कैसा लगा नोकिया 5.4 अभी तक और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय